परम पूज्य निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के कर कमलों द्वारा शनिवार 22/12/2018 के सुबह निरंकारी यूथ फोरम के तत्वाधान में आयोजित निरंकारी यूथ सिंपोजियन का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का पहला दिन खेलकूद के लिए रखा गया, अतः सदगुरु माता जी ने खिलाड़ियों के हाथों में खेल ज्योति मशाल सौंपते हुए इन खेलों को हरी झंडी दिखाई। मंच पर आसीन होने के पूर्व सदगुरु माता जी ने शांति का प्रतीक संत निरंकारी मिशन का श्वेत ध्वज लहराया। इस अवसर पर कार्यक्रम में समावेश किए गए सभी खेलों का नमूनदार रंगारंग प्रदर्शन सदगुरु माता जी के सामने प्रस्तुत किया गया। खेलों में भाग लिए हुए सभी युवाओं को आशीर्वाद प्रदान करते हुए सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने सबसे पहले उनके उत्साह की सराहना की और बताया कि खेलों द्वारा अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें सीखने की भावना धारण करनी होगी। सभी खिलाड़ियों का अपने तन मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखने का आह्वान सदगुरु माता जी ने किया। युवा शक्ति को आत्मशिक्षा की और मुक्ति हुए समाज का पुनरुत्थान करते मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह 2 दिवसीय सिंपोजियन आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुंबई महानगर प्रदेश के करीब 16,000 युवा बहन भाइयों ने भाग लिया है, जिसकी आयु 15 से 40 वर्ष के बीच में है। इस कार्यक्रम में एथलेटिक्स, मैदानी खेल अंतर्गत फिटनेस कार्नर, हेल्थ कार्नर, एरोबिक्स इत्यादि का समावेश किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को मानवता के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जा रहा है। खेलों का अलावा साहित्य बढ़ाने की रुचि बढ़ाने के लिए उनकी कार्यक्रम में विद्वान लेखकों एवं ज्ञानी महात्माओं की उपस्थिति में बुक रीडिंग का स्टॉल भी लगाया गया था। इस सिंपोजियन का मुख्य विषय 6 तत्व पृथ्वी आप तेज वायु आकाश एवं चेतना है। इस विषय पर रविवार दिनांक 23/12/2018 के दिन व्याख्याना लघुनांकिका संतवाणी आदि द्वारा रोशनी डाली जा गई है।